नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों की तरफ। 331 शहरों में जेईई मेंस के एग्जाम आज से पहली बार 13 भाषाओं में होंगे एग्जाम्स। एप्पल ने फिर हासिल किया नंबर वन का खिताब, सैमसंग और हवाई को छोड़ा पीछे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 26 जनवरी हिंसा मामले के आरोपियों को जम्मू से पकड़ा। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, टैंकर से टकराई कार, 6 की मौत। 2 दिन की राहत के बाद आज फिर आम लोगों को महंगाई का झटका, पेट्रोल और डीजल के फिर बड़े दाम। हत्यारण शबनम के डेथ वारंट पर कोर्ट में सुनवाई आज। गुजरात में 6 स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे आज, कड़ी सुरक्षा में हो रही है वोटों की गिनती। राजस्थान बजट से पहले ही गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा, बिजली कंपनियों में होगी 2370 पदों पर सीधी भर्ती। पीएम मोदी आज आईआईटी खड़गपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेडिकल रिसर्च एंड साइंस इंस्टीट्यूट का करेंगे उद्घाटन। भारत ने दिखाया बड़ा दिल, अपने आसमान से दी इमरान खान को श्रीलंका जाने की इजाजत। आज की बड़ी सुर्खियों में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए हिंद भारत, जहां नहीं रुकता खबरों का सिलसिला। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।